हेलो दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हो अंबेडकर पीपल वॉइस। हेलो भैया, आप हमारे स्टूडियो में क्या कर रहे हैं? एक महीने के भीतर बैंजी से दो बार मिल के। हाँ, मैं केवल उस समय 16 साल का था जब मैं बैंजी से मिल चुका था। मतलब पर्सनल मीटिंग थी? पर्सनल मीटिंग थी। क्या बात कर रहे हो, सच में? बिल्कुल। और उसकी वजह मैं 2018 के अंदर इस दोज विधानसभा से कैंडिडेट को टिकट भी दिला के लिए आया। ये पूरा जो है अम्बेडकर पीपल वॉइस की पूरी टीम है। गजब यार। मतलब बस बढ़िया, आप बताओ। और आज हम जो है ना यहाँ पर आए हैं, आपको दिखाना चाहते थे कि एक चैनल है अम्बेडकर पीपल वॉइस, वो किस तरह से काम कर रहा है। और स्टूडियो वगैरह अपना यहीं पर है? नहीं, आधा तो सीकर है, आधा यहाँ पे। अच्छा, आधा सीकर है। तो हम यहाँ पर आकर ये सारा कुछ शूट करेंगे और आपको बताएंगे इनके बारे में। ये देखो, यूट्यूब अवार्ड के तीन तीन बटन इसके अंदर है। हाँ, तो लगाया क्यों नहीं है ऐसे? बस कोई इतना इच्छा, मैं इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता इन चीजों को। ये सिल्वर है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है? नहीं, तीनों ही अभी तो सिल्वर है। अच्छा, गोल्ड तो अभी आएगा ना अभी। अच्छा, तो अच्छा, गोल्ड आएगा अभी। कितने हो गए? 9 लाख। 9 लाख, वाओ, 9 लाख। 9 लाख है। इसके अलावा ये सभी अलग अलग चैनलों के, उनपे भी किसी पे 1.5 लाख है, किसी पे 1,45,000 है, किसी पे 70,000 है, किसी पे 80,000। कम से कम 8-7 चैनल चल रहे हैं अभी इस वक्त। भारत का संविधान आपको जरूर मिलेगा हर जगह पे। ये भारत का संविधान है और आपको लेना है तो tathagat.live पे जाके ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा हमें अपना भी प्रमोशन करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल कीजिए। देखिए क्या दिक्कत है इसमें। ये देखिए, ये सपना होता है लोगों का कि उनको एक यूट्यूब बटन, सिल्वर बटन मिले। और यहाँ पे देखो, बिल्कुल उसी तरह से पैक है। ये पैक है अभी तक इसमें एक बार बुकिंग के लिए दौड़ हो गया ना। नहीं, मैं तो इतना ज्यादा कभी सीरियस नहीं। मैंने जब पहली बार आया था तब तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। फिर तो मैं जयपुर जाके लेके आया था इसको, जाने लेने के लिए भी जयपुर चला गया था पार्सल वाले के सामने। यहाँ पे देखिए, ये APV न्यूज नेटवर्क। और APV का फुल फॉर्म क्या है वो बताएंगे? अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। और मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये अम्बेडकर पीपल वॉइस राजस्थान जैसे इलाके में कैसे अस्तित्व में आया? ये अस्तित्व में आने का थोड़ा सा बहुत ही लंबी ऐसी तो स्टोरी रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे 12वीं क्लास पास करके अपने गांव से आया था, क्योंकि हमारे पास गांव में के आसपास में कॉलेज नहीं थी उस समय। तो मैं साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। तो यहाँ जब SK कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया सीकर में, तो वो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टियों का बहुत दबदबा इसमें यहाँ पे रहा। तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टियों के दबदबे के चलते यहाँ बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई खास दबदबा नहीं था। और ये लोग सिर्फ एक, चाहे कहने को तो वामपंथी अपने आप को अम्बेडकर और कहते हैं, लेकिन सच मायने में इनकी भी जातिवादी सोच बहुत लंबी है और एक सिंक्रनिसिटी है। और जहाँ इस इलाके में हम बैठे हैं, ये भी कम्युनिस्ट पार्टियों का गढ़ रहा है। इस दौर को कम्युनिस्ट पार्टियों का गढ़ ही कहा जाता है। उस दौरान यहाँ SK कॉलेज में शुरुआत से रही। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। जब फिर उसके बाद मैं सेकेंड ईयर में प्रवेश किया तो मेरा एक साथी था, वो बोला कि यार मुझे भी ये कॉलेज वाले चुनाव लड़ने। तो मैंने उनको बोला कि यार मैं तो इतना इंटरेस्ट नहीं हूँ, अगर तू चुनाव लड़ रहा है तो मैं टिकट की बात करता हूँ। क्योंकि मैं शुरू से बोलने में थोड़ा सा एज फ्रेंक टाइप का था। तो कॉलेज जब बात की इन पदाधिकारियों से तो इन्होंने कहा कि यहाँ तो अपने जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यहाँ तो जो अध्यक्ष बनेगा वो हमारी माँ का जनावा ही बनेगा, दूसरा कोई नहीं बन सकता। हमारी माँ का जनावा बनेगा, हाँ, तो दूसरा नहीं बन सकता। फिर ऐसा थोड़ा सा लगा कि यार पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी अगर इस तरह की बात करें अच्छा नहीं। फिर उस समय हरियाणा के अंदर एक संगठन चलता था DSFI के नाम से, जो आपके मध्य प्रदेश में हमारे सूर्य राजौरिया जी काफी साथी रहे थे। तो वो उनके संगठन को मैंने स्थापित किया। फिर यहाँ पे कॉलेज पॉलिटिक्स में सक्रिय रहा खूब टाइम तक। लेकिन एक टाइम बाद में क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक संगठन है उनकी जो पोजिशन है, वो चाहे आप राष्ट्रीय स्तर की उठा के देखें चाहे जिले के देखें, वो एक टाइम पे आके उनमें अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में वो संगठन हमेशा डिवाइड होता ही है। आप चाहे किसी को, आज भीम आर्मी उस समय नहीं था, 2017 में आया भीम आर्मी, उस समय हम 2013-14 की बात कर रहे हैं। तो 2013 में मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा नाम था। आप पुराने वीडियो उठा के देखोगे तो कम से कम 5,000-4,000 लोग मेरे एक आह्वान पर इकट्ठे हो जाते थे यहाँ पे, और अच्छी खासी रैलियाँ यहाँ पर हुआ करती थी। तो धीरे धीरे मेरा भी यहाँ पे मतलब एक समय यहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि सीकर की 8 विधानसभाओं में मैं कोई टाइम कैंडिडेट अपने विधानसभा के उतार दूंगा, इतना इन लोगों को डर लग लेगा। अच्छा, BJP के कांग्रेस के लोगों को। अच्छा,
तो फिर जब पॉलिटिक्स में मैंने धीरे धीरे हुआ तो लोगों को, फिर बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने जो मेरे खास करीबी दो लोग थे उनको ये सब देना शुरू कर दिया लालच के, यार ये नहीं है। और फिर मेरे जो लोग थे वो भी एक समय बाद वही बात की, हमारे संगठनों की वही होती है, महत्वाकांक्षा के चक्कर में हम कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो संगठन धीरे धीरे बिखरता मुझे ऐसे नजर आया। कुछ लोग मेरे पीठ पीछे से बात करते हैं, यार ये नागौर से आकर यहाँ पे हमारे ऊपर नेतागिरी कर रहा है, ये वगैरह वगैरह। तो मुझे हाँ थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगा फोर्ट, तो मैंने खुद अपने आप से ही कहा कि कोई मुझे इससे कोई पैसे तो मिल नहीं रहे, मैं समाज के लिए अपना टाइम दे रहा हूँ, यहाँ जागृति करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा तो मैंने अपने आप को इनको छोड़कर बीएसपी की तरफ मैं गया। लेकिन वहाँ पे भी मुझे कुछ इतना अच्छा कुछ नजर आया नहीं। एक महीने मैंने बीएसपी के सभी नेताओं से, यहाँ तक कि मैं बहन जी से भी उसमें मिल के आया दो बार, एक महीने के भीतर से दो बार मिल के। हाँ, मैं केवल उस समय 16 साल का था जब मैं बहन जी से मिल चुका था, पर्सनल मीटिंग थी। क्या बात कर रहे हो, सच में? बिल्कुल। और उसकी वजह से मैं 2018 के अंदर इस दोज विधानसभा से कैंडिडेट को टिकट भी दिला के लिए आया 16 साल की उम्र में। फिर मैं, क्योंकि मुझे तो बोला बहन जी ने कि आपको टिकट नहीं मिल सकती, आप तो छोटे से बच्चे हो। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं, इनको मेरी जगह आप दीजिए। फिर मैंने यहाँ पे चुनाव के लिए लड़ा, ये रिजर्वेशन के लिए आती है वैसे तो क्षेत्र, लेकिन फिर अच्छा रेस्पॉन्स भी नहीं रहा। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 24 का हो गया। 24 साल के हो? हाँ 24 साल के हो भाई। 96 मेरी एज है। 96, पता है मैं कितने साल का हूँ? हाँ। गैस करो, कम से कम 32, 33, 34। थर्टी प्लस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 36 का हूँ। हाँ मतलब सोचो यार, 11-12 साल छोटा व्यक्ति और झंडे गाड़ रहा है। अरे आसान के साथ हम ग्रांड कर रहे हैं यार, क्या मिलेगा क्या? फिर मैं आपको बताऊं, देखो एक वीडियो है जो आपको इस बताएगा कि कैसे उस समय पॉलिटिक्स मेरा, मैं तो आप मतलब मैंने कहा कि एक समय तो था तब मैं पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा नाम था, कम से कम अखबारों की कटिंग है। उस समय एक दिन भी ऐसा अखबार नहीं था जिसमें मेरे बारे में न्यूज आती नहीं थी, शायद ही कोई अखबार आया होगा इस जिले का। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने, ये आप उस समय का न्यूज है आज के। डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले सोमवार को विद्यार्थियों ने आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान छात्र छात्राओं ने विभिन्न मुद्दों को लेकर आजादी के नारे लगाए, हाथों में DASFI के नीले झंडे लेकर सैकड़ों छात्र ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। DASFI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नॉर्थराम ने कहा कि पलसाना में गणतंत्र दिवस के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र को बार बार मुख्य समारोह से हटाना उनका अपमान है, जिसको लेकर पूर्व में भी दाता रामगढ़ SDM को मामले से अवगत करवाया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब ये पूरा जो कुछ घटना हुई थी उसमें भीड़ इकट्ठी हुई थी नहीं, मैं इसको पूरा कार्यक्रम कोई हमारा ही, मेरा ही ऑर्गेनाइज किया हुआ था और सब कुछ, मतलब उस समय क्योंकि ये संगठन भी मेरे बैनर तले ही चलता था और इस मामले में मेरे खुद सहित 19 लोगों पर मुकदमे भी लगे थे उस टाइम। इस समय तो मेरी एज भी ज्यादा नाबालिग था, उसमें फिर भी लगा रोड जाम का और ये तमाम लगा। फिर मन मुटाव इस वजह से हुआ क्योंकि हमारे लोगों की, आप भी इतने दिनों से घूम रहे हो और मेरे से ज्यादा आपको अनुभव है कि आप तो उस धरती से आते हो जहाँ पे ये अम्बेडकराइट आंदोलन चाहे शुरू हो चाहे खत्म हो, वहीं से शुरू होता है मध्य प्रदेश। आज चाहे भीम आर्मी की हम बात करते हैं लेकिन एक सही सपने पे देखें तो उसके भी 3-4 साल के अंदर 4-5 टुकड़े बन चुके, अलग अलग लोग, कोई नेशनल भीम आर्मी बना रखा है, कोई प्रेसिडेंट भीम आर्मी, कोई मतलब अपनी अपनी, हर आदमी जो साथ जुड़ता है वो अलग अलग हो जाए। BSP की भी यही हालत है और बामसेब की भी यही हालत है, तमाम लोग हमारे संगठनों की। मैं देख जब फिर मेरा दुखी हो गया 2018 के अंदर, या राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे तो उस चुनाव के अंदर मैंने आखिरी बार अपनी पॉलिटिक्स की एंट्री ली विधानसभा चुनाव में। और उस समय मैं 6 साल, यानी आज घटा दीजिए 18 साल का कंप्लीट हुआ था। तो फिर किसी ने साथ दिया नहीं क्योंकि मेरे पास खिलाने पिलाने के लिए इतना कुछ था नहीं, हालांकि गाड़ियों घुमा लेते थे लेकिन फिर भी एक चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों का बिजनेस बजट चाहिए विधानसभा के लिए, तो लाखों रुपए तो हमने खर्च कर दिए। जैसे जैसे लोगों से एक अच्छी पहचान थी उसकी वजह से लोगों ने सपोर्ट भी किया लेकिन करोड़ों नहीं खर्च कर पाए और साथ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने 2018 के अंदर ये विधानसभा के इलेक्शन का, दिसंबर में मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक साथ रिजल्ट आता है, तो दिसंबर में रिजल्ट आया और उसके बाद क्या मेरा मन थोड़ा सा खत्म हो गया। फिर मेरा एक खुद का चैनल था नौरतराम लोरोली के नाम से ही, जिसपे मैं ये मतलब जो मेरी न्यूज आती थी जो आज तक NDTV वगैरह सब में आई हुई है वो आती थी, वो उठा के मैं उस पर डाल देता था। उस समय मुझे तो पता नहीं था कि भाई इसमें पैसे भी आते हैं या कुछ हो रहा है। उस पर 10-11 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर थे। फिर मेरा एक दोस्त था जो गाने शूट करता था, गानों की जो राजस्थानी गाने शूट करता था, उसने मेरे को एक, ये जब ऐसा प्रोग्राम हुआ था मेरे साथी के रोड की देखकर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने सिर फाड़ दिया था, तो उसके मामले में हमने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक आंदोलन निकाला।
उस आंदोलन को जब मैं लाइव चला रहा था तो मेरा एक दोस्त चला रहा था, उन्होंने पूछा कि यार आपके 11,000 सब्सक्राइबर है क्या, आपके वो आते हैं क्या पैसे? मैंने कहा नहीं पैसे तो मुझे तो नहीं पता कि यूट्यूब से कौन सा पैसा आता है। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आज बताता हूँ ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारा एक स्टैंड रहता था यहाँ पे, काशना छात्रावास है, सभी छात्र हम वहीं जाते थे कि बात करने के लिए या आगे की रणनीति बनाने के लिए। तो वहाँ पे मेरे को उसने बताया कि यार इस तरीके से मोनेटाइजेशन के लिए डालते ही, वो तो साफ साफ था कि NDTV आज तक ये इससे कबड्डी अब तक राजस्थान की जी न्यूज वगैरह के थे तो रिव्यूज कॉन्टेक्ट या कुछ उस समय था, रिव्यूज नहीं आया था, कुछ और ही आया था और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने अपने चैनल के बारे में वहाँ पे डाला तो वहाँ से रिजेक्शन हुआ कि मोनेटाइज नहीं होगा, नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने उस पर अपने वीडियो बनाकर डालने शुरू किए, फेस वीडियो, बोलने में ठीक ठाक था तो मैंने जैसे डालने शुरू किए। तो एक वीडियो मैंने बनाया था मोदी और बहन जी के बारे में 2018 के अंदर, तो वो वीडियो कम से कम 9 लाख के आसपास गया उस चैनल पर, 9 लाख। हाँ, तो उसकी वजह से मेरे फिर 31-32 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए, 9 लाख वीडियो जैसे चला खूब सब्सक्राइबर। कौन सा ईयर था ये? 18 की बात है, 2018 की। फिर उसके बाद मैंने उसको ट्राई किया तो फिर मैंने उसमें से काफ़ी सारे वीडियो हटा दिए लेकिन फिर भी वो मोनेटाइज नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ सिकर में एक चैनल चलता था सिकर टाइम्स के नाम से, उसके ओनर है, उन्होंने एक चैनल क्रिएट किया बनाओ दिखाओ कि भाई यूट्यूबर्स को हम आगे बढ़ाने के लिए बनाओ दिखाओ नाम से उन्होंने चैनल शुरू किया था। अच्छा 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 अच्छा। तो उसके ऊपर वो ऐसे रिव्यू करते थे किसी का चैनल कि भाई आपके चैनल में क्या प्रॉब्लम है, आपके चैनल में क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी कभी अभी तक आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है, जबकि वो सिकर में रहते हैं या कहाँ ही रहते हैं पता नहीं है मुझे, लेकिन वो सिकर टाइम्स के नाम से उनका चैनल था। फिर उन्होंने मेरा एक चैनल का रिव्यू किया, उन्होंने रिव्यू किया था मेरा, ना तो नाम लिया ना मेरे चैनल का नाम लिया और ना ये बताया कि कंटेंट, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक टैलेंटेड यूट्यूबर है और लेकिन फिर भी 31,000 के बाद भी इनका सब्सक्राइबर नहीं हो रहा। तो मैं इनको एक ही सलाह दूंगा कि आप या तो चैनल अपना नया बना लें या फिर इस चैनल के सारे वीडियो डिलीट करके आप वापस शुरू करें। तो मैंने सोचा ठीक है 31,000 को पड़े रहने दो, नया शुरू करते हैं। फिर मैंने 12 जनवरी 2019 के अंदर जब बहन जी और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था लोकसभा के लिए, तो उन्होंने बहुजन साथी, हाँ बहुजन वो जो बना था उन्होंने हाथी और साथी बना के, हाथी और साथी वो बना था, वो गठबंधन हुआ 19 का, वो हुआ था शायद 10 तारीख को जनवरी की और मैंने चैनल बनाया था 12 तारीख को। लेकिन ये लोगों का प्यार समझो या कुछ भी समझो, उस चैनल का नाम क्या था? मुझे नौरतराम लोरोली को लोग यहाँ कहते थे कि अम्बेडकर स्टूडेंट वॉइस, यानी कि अम्बेडकर वादी छात्रों की आवाज नौरतराम लोरोली। तो वो मेरे एक संघर्ष पर गाना भी बना हुआ है। अच्छा, मतलब मेरे यूट्यूब पर पुराने चैनल है उस पर मेरा गाना भी है जो है इस मामले में कि भाई नौरतराम लोरोली अम्बेडकर वादी स्टूडेंट की आवाज, इस तरीके से वो उस समय चलता था। ये पूरा गाना जो शूट हुआ था, हाँ, तो उस वजह से ये अम्बेडकरवादी छात्र सभी लोग जो थे वो मुझे ऐसे बोलते भाई अम्बेडकरवादी छात्रों की आवाज, तो उसका इंग्लिश फॉर्म होता था अम्बेडकर स्टूडेंट वॉइस, लेकिन मैंने जैसे चैनल बनाया तो मैंने उस स्टूडेंट को हटा के वहाँ पे पीपुल्स नाम जोड़ दिया कि आगे से मैं इन लोगों की आवाज अपने उस हिसाब से, मतलब यहाँ के लोगों की आवाज जो है वो आप यूट्यूब या इस, हाँ, उसके सुनाना चाहते थे, बताना चाहते थे लोगों को, यहाँ से शुरुआत हुई अम्बेडकर पीपल वॉइस की। फिर केवल मात्र 12 जनवरी को मैंने बनाया था। ये जो चैनल है इसके पीछे ऐसा मोटिव नहीं था कि मुझे पैसा कमाना है, ऐसा मुझे पता ही नहीं था, वीडियो डालना है और ना ही ये कोई ऐसा था कि कोई एक आम व्यक्ति या सिंपल सा जो बाबा साहब को ज्यादा जानता भी नहीं है उसने चैनल बना दिया कि चलो कुछ पैसा कमाएंगे या फेमस हो जाएंगे, मतलब ऑलरेडी बहुत संघर्ष चल रहा था सालों से और वो फिर चैनल पर आ गया। जब मैंने शुरू किया था तब तो मैं ऐसे बाहर जो ये बेड होती है ना, जो खाट होती है हमारी, उसको मैंने खड़ा करके ये ग्रीन स्क्रीन लगा के किया था शुरू में, अब ये मेरा भाई पकड़ लेता था। और सामने व्यू देखो यार, क्या शानदार व्यू है। हेलो दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हो अम्बेडकर पीपल वॉइस। हेलो भैया, आप हमारे स्टूडियो में क्या कर रहे हैं? हमारे साथ है नूरतराम लोरी और ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो हर
प्लेटफॉर्म पे वेरीफाइड है। हाँ। मैं सीखने आया हूँ कि मुझे भी वेरीफाई करवाओ, मैं नहीं जानता कैसे कैसे इतना वेरीफाई कैसे हो पाए हर जगह पर। ये व्यक्ति मतलब 24 साल का है और हर प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड है, और मुझे लगता है कि पहला बहुजन व्यक्ति होगा जो बाबा साहब की बात करता है और हर प्लेटफॉर्म पे वेरीफाइड है। ऐसा तो है, कभी तो हमारे नेताओं के भी नहीं है। हमारे बहन जी सिर्फ ट्विटर पर है, चंद्रशेखर भाई भी अभी फेसबुक पर शायद नहीं है, उनका खुद का वो भीम आर्मी का अकाउंट है, इसके अलावा नहीं है, और भी बहुत सारे अलग अलग लोग, और तो बाकी कहेंगे तो हम बात ही नहीं कर सकते। ये यूपी मिशन, ये क्या यूपी का चुनाव आया था तब उस समय? नहीं, ये एक अलग चैनल है हमारा यूपी मिशन। अच्छा, इसके लिए एक हाँ, नहीं, वो मुझे पता है यूपी मिशन अलग चैनल है, लेकिन ये यूपी चुनाव के लिए लॉन्च हुआ था। ये यूपी चुनाव के लिए, ये यहाँ पे स्पोर्ट्स का चैनल है। देखो कम संसाधनों में कैसे मैक्सिमम आउटपुट देना है आपको, यहाँ से इसको हटा लेते तब ये स्पोर्ट्स का हो जाता है। अरे वाह। और ये जब आपको कोई स्टडी का करना होता है तब, या फिर कंटेंट भी आप अपना लिख सकते हैं इसके लिए, भी ये यूज करता है। 5 रेड रोज हैं और ये पंचशील वाले रेड रोज हैं, और ये बेसिकली हम लोग है ना वैलेंटाइन डे विद डॉक्टर अम्बेडकर, हम बाबा साहब के साथ वैलेंटाइन डे मनाने वाले हैं और आप इन्वाइटेड हो उसमें। बिल्कुल, और हम चाहते हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि उस कार्यक्रम में मैं पहुंचूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा अच्छा, यूपी मिशन का ये चला, यूपी मिशन आप चलाते हो, शूट कर लूं? आपकी मर्जी। यूपी मिशन चलाते हो आप इनकी सिस्टर हो? हाँ। और मतलब ये इन्हीं को देखकर आपने सीखा जी? तो बैकग्राउंड क्या है आपका स्टडी का? अभी स्टूडेंट है। क्या पढ़ रही हैं आप? बीए फाइनल कर रही हैं। तो ये करना कैसा, अच्छा लगता है आपको या नहीं? बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। आइए ना साथ में, आइए। अच्छा, ये आपका ब्रदर है? हाँ, ये मेरा छोटा भाई है, 10 साल छोटा है, वैसे तो लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो स्पोर्ट्स वाला चैनल है वो चला रहे हैं। हाँ। आपका नाम बताइए जरा। मेरा महावीर। और जो यूपी मिशन है वो आप चला रहे हैं? गजब यार, मतलब आपने तो पूरी टीम घर पे ही बना ली। ये पूरा जो है अम्बेडकर पीपल वॉइस की पूरी टीम है, गजब यार। मतलब आपने कुछ सीखा वो आपने अपने भाई बहनों को भी सिखाया और वो भी उस फील्ड में चले गए, और बाबा साहब के जो मिशन है वो आगे बढ़ा रहे हो। मेरा SBI के अंदर सिलेक्शन हुआ था LDC में। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए SBI के, लेकिन फिर मैंने जब YouTube से जब अच्छा सब कुछ चल रहा था तो मैंने उसको ज्वाइन किया नहीं। फिर हमने ये, मैंने इनको भी यही बोल रखा है कि हम चलो कहीं भी नौकरी करेंगे तो जब तक IAS के बराबर की नौकरी नहीं लगते तब तक हमें कहीं ना कहीं समस्या बहुत ज्यादा ही नहीं बल्कि उठानी पड़ती है, और किसी के ऑर्डर का फॉलो करना, वैसे IAS का भी करना पड़ता है, लेकिन वहाँ एक रेपुटेशन बहुत अच्छी मिलती है, तो हमें वो इज्जत अगर कमानी है तो खुद एक ऐसा काम करना ही जरूरी है। स्वतंत्र ही हम ऐसा काम कर सकते हैं जो हमें रेपुटेशन इज्जत दे। शायद मैं ये खुद मानता हूँ कि अगर मैं उस दिन SBI में ज्वाइन करता तो शायद आज सभी अकाउंट वेरीफाइड होना तो बहुत बड़ी बात है। मेरे ऊपर ये भी बंदिश रहती कि मैं कोई वीडियो बनाऊं या फोटो अपलोड। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में हो आप तो आप तो ये सब नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। और अभी करंट जो कंडीशन है आप लोगों की, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जा रहा है, तो वो छोटी सी जॉब करने से अच्छा तो आप जो कर रहे हो वो तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, इस वजह से इनको भी बस। और आपने खुद भी सीखा, अपने भाई बहनों को भी सिखाया और वो भी बेहतर काम कर रहे हैं। इनमें से एक चैनल का आपका भी है क्या? ये नया, यूपी मिशन नया वाला, ये वाला यूपी मिशन अनबॉक्सिंग नहीं किया उसको? नहीं, अभी नहीं किया। अब टाइम नहीं मिल रहा ना इसलिए। अरे वाह वाह, अभी 2-4 दिनों से क्रिकेट का मैच खूब ज्यादा है, U19 के चल रहे हैं, मैच के भी चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा। तो आगे क्या क्या सोचते हो आप अम्बेडकर पीपल वॉइस का, क्या भविष्य है अम्बेडकर पीपल वॉइस का? भविष्य तो बेहतरीन है, वैसे तो कोई मुझे इसमें कोई समस्या आती नहीं। आगे, मैं तो आगे क्या मतलब आगे अब इसके आगे क्या, यहाँ तक आ गए हो अब इसको क्या कुछ सैटेलाइट चैनल बनाने की सोची है कभी, या वो पुराना बात हो गई सैटेलाइट चैनल वगैरह के बारे में मैंने नहीं सोचा, लेकिन मैं तो अपने लोगों जो भी मेरे से बात करते हैं, कई सारे हमारे यूट्यूबर साथी भी बात करते हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि आप यूट्यूब के अगर पीछे भाग ही चुके हो और यूट्यूब पर अगर आपने चैनल बना लिया है तो एक चैनल मत बनाओ, आप मल्टीपल चैनल बनाओ, अपने लोगों घरों के लोगों के बनाओ। कल को अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कम से कम मैंने 4-5 चैनल ऐसे जो 30-35 हजार सब्सक्राइब करके जो किसी को पता भी नहीं है, अम्बेडकर पीपल्स वॉइस तो नाम आपके सामने इसलिए है कि हमने उसको सब जगह पब्लिश कर रखा है, उसका वेरीफाइड करवा रखा है, तो इस वजह से वो आपके सामने है। ऐसे कई सारे चैनल है
जो मैम किसी के सामने शो भी नहीं करता कि ये हमारा चैनल है। यहाँ तक कि आपने कभी मेरे खुद के ट्विटर अकाउंट पर भी अंबेडकर पीपल्स वॉइस की तारीफ का कोटेशन नहीं देखा होगा, ये मैं निश्चित कह रहा हूँ। अच्छा। मेरे फेसबुक अकाउंट पर आप चाहे देख सकते हैं, वेरीफाइड है, लेकिन वहां पे ये लिखा हुआ है कि मैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस का हूँ, लेकिन वहां पे मैंने अपने कभी कभी वीडियो शेयर नहीं किया कि अंबेडकर पीपल्स वॉइस मेरा है या मैं उस हिसाब से। मैं हमें काम करना है, यूट्यूब पर अगर हम आ चुके हैं तो सीधा सीधा एक ही थ्योरी है कि हमें यहाँ पर मल्टीपली तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आप पर एक चीज की दम्बिस लगा सकती। एक मान लो आज आप गवर्नमेंट नई नई रेगुलेशन लेके आ रही है, रूल्स लेकर आ रही है, तो कल को एक चैनल जैसे अंबेडकर पीपल्स वॉइस गया, फिर क्या हमारी जिंदगी। हम 7-8-9 साल से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, 4 साल से कर लो, मानो 5 साल से कर रहे हैं, और हमने अपना पूरा करियर इसकी तरफ लगा दिया, तो आगे का भविष्य क्या है। तो वहां पे आपको मल्टीपल चैनल की बहुत जरूरत होती है, और अगर आप जब इंटरनेट के जमाने में हो तो आपको सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि हर जगह पर, क्योंकि इनकम के बिना कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी स्थिति बदलनी है तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना ही पड़ेगा, और आप किसी मिशन को चलाने के लिए भी और कहीं और चीज को चलाने के लिए भी आपको फाइनेंशियली एक स्ट्रांगली जब आप हो जाओगे। और आज मैंने ये देखा है कि मैं चल भले ही यहाँ पर अंबेडकर पीपल्स वॉइस चलाता हूँ, सब कुछ है, सामंत पार का गढ़ है, लेकिन जब मैं फाइनेंशियली रूप से लोगों को सुदृढ़ दिखता हूँ तो शायद कई चीज़ें ऐसी होती है जो जातिवाद, जुआछूत, भेदभाव की समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे कम महसूस होती है। अरे मुझे एक सवाल जानना है, आपके पेरेंट्स मम्मी पापा कितने पढ़े लिखे हैं? मेरे पापा तो शायद एक दिन से ज्यादा स्कूल नहीं गए होंगे कभी, और मम्मी तो कभी स्कूल गई नहीं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं। हाँ, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। अब पापा तो ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है, लेकिन मम्मी अब हमारे हम जैसे बोलते हैं घर में तो वो अभी कुछ इंग्लिश वर्ड भी सीख जाती है, उनको हमने हस्ताक्षर करवाना भी सिखाया है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने बिल्कुल मतलब मेरे पापा एक दिन भी शायद स्कूल नहीं गए, लेकिन उनकी सोच यही थी कि उनके बच्चे पढ़े लिखे। उन्होंने आप तीनों भाई बहनों को पढ़ाया पूरी तरह, ना केवल पढ़ाया, हाँ पढ़ाया और पूरा साथ दिया हर परिस्थिति के अंदर। स्कूल छूटने की भी कई बार नौबत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा कि नहीं चाहे मैं खुद बिक जाऊं लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। और दूसरा, जितना भी आप देख रहे हो ना अंबेडकर पीपल वाइज जो यूट्यूब चैनल था, बाहर से तो नहीं दिखाऊंगा, घर रिवील हो जाएगा, दिखा दूंगा, दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दिखाने से। तो हनी पकड़ना जरा, तो ये आप देख रहे हो ये जो घर है और यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी अभी बहुत बड़ी थी, वो सब जो है चैनल के माध्यम से आया। और वो खास बात इसमें ये है ना कि उन्होंने बाबा साहब का नाम, मतलब बाबा साहब को दिखाते हुए वो सब चीज़ हासिल की, क्योंकि ज़्यादातर हम ये जानते हैं कि बाबा साहब को अगर आप बोलते हो ना तो सोशल मीडिया क्या आपको शहर आपके मोहल्ले से बायकॉट कर दिया जाता है, और जहाँ पर हम हैं इस वक्त वो एक ऐसी जगह है राजस्थान जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं, और ये इतनी हिम्मत वाला काम है कि आप यहाँ ठप्पे से रहते हो। ठप्पे से ही रहते हैं हमारे, पूरा घर के आगे भी देखो। तो ये अब देख लो ना, ये एक ना आपको चीज़ें इंस्पायर कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब का नाम लेने पर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये ना इन्होंने गलत साबित किया। बाबा साहब का नाम लेके आप चाहे कितना ही छुपाओ, उन्होंने हमारे जिंदगी को बदला है, इसको हम नकार नहीं सकते। और दूसरी बात, हम लोगों ने जो बाबा साहब के बारे में लोगों के मन में जो गलत धारणा भरी है, जो आज हम देख रहे हैं कि भाई नफरत लोग करते हैं, तो वो हम सबसे उसकी सबसे बड़ी वजह भी हम है। हमने बाबा साहब को इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया है कि जैसे वो सिर्फ हमारे लिए है। बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी आप देखेंगे कि जो रैलियां होती है समाज की, उनमें यही कहता है बाबा साहब ने संविधान बनाया, वो ये कभी नहीं बताता कि जनरल समाज के लोगों ने बाबा साहब के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए बाबा साहब ने क्या किया, भारत के लिए बाबा साहब ने क्या किया, जल परियोजना के लिए बाबा साहब ने क्या किया, रोड परियोजना के लिए क्या किया, अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया, इकोनॉमी के लिए क्या, ये तमाम बातें आपको हमारे कैडर जो हमारी भाषण होते हैं हमारे नेताओं के उनसे गायब मिलेंगे ये शब्द। जब आप अगर बाबा साहब के बारे में शिकारी उस तरीके से नफरत ही बातें हो तो फिर आप उनसे अच्छे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बाबा साहब अम्बेडकर तो एक मतलब नाम ही नहीं बल्कि वो तो घर वैसे ऐसे भर देने वाला नाम है। जब भी हम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो अपने आप में ही एक अलग सी ताकत है वो महसूस होती है। तो हमारे जो है ना आईफोन की स्पेस भर गई है और हम फिर से अपने पुराने कैमरे में शिफ्ट हो गए हैं। बाकी बस यही है कि काफ़ी इंस्पायरिंग लाइफ है आपकी और बाकियों को भी समझना चाहिए, और इसी वजह से मैं आपको है ना जन्मभूमि पे इनवाइट कर रहा हूँ, और वहाँ पर आकर हम मिलेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे पूरे इंडिया से आएंगे और हम कुछ एक दूसरे से सीखेंगे। तो वेलकम टू द जन्मभूमि। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कुछ जो ऐसा मोमेंट जो होता है जिंदगी में, अगर वो ना आया एक दो दिन आगे पीछे रहा तो यही सोचेंगे कि मैं जरूर जरूर आऊँगा, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरी बिल्कुल पूरी कोशिश है आने की।
तो हम हो सकता है मिलेंगे और मजा आएगा कुछ।